कितनी क्रंची बनी है इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फॉर्म आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे करेले के कुरकुरे मसाले, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए हमने लगभग आधा केजी के आसपास करेले लिए हैं और उसे हम इस प्रकार के शेप में काटेंगे। तो आप दोनों तरफ से इसका किनारे का भाग निकाल देंगे, उसके बाद बीच से कट करके इसे जल्दी काटने के लिए दोनों को एक साथ करके आप इस प्रकार चाकू की मदद से काट सकते हैं इसे। तो हमने सारे करेले को इसी प्रकार से काटा है। तो अब हम ये देखिए, हमने सारे करेले को इस प्रकार से काटा है। अब हम इसके लिए एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें तेल डालेंगे। तेल हमने लगभग इसमें 150 ग्राम के आसपास डाला है और उसमें करेले को हम बारी बारी से फ्राई करेंगे। तो फ्राई हम कर लेंगे उसी हिसाब से मात्रा डालेंगे ताकि जो ये जो है करेला हमारा अच्छे से फ्राई हो सके। तो ये देखिए, हम इसी प्रकार से इसे चलाते हुए इसे फ्राई करेंगे ताकि ये हमारा अच्छे से दोनों तरफ से ये पक जाए। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो रहा है हमारा करेला, तो आप इसे लगातार बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो ये फाइनली हमारा फ्राई हो गया है, ये कितना बढ़िया इसका कलर आया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और ये क्रंचीनेस का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देख के ही आपको लग रहा होगा कि ये कितना क्रंची है। तो ये देखिए, हमने इसे निकाल लिया है और बारी बारी से सारे करेले के बैचेज को हम इसी प्रकार से निकाल लेंगे। हमने तीन बैचेज में इसे फ्राई किया है आधा केजी करेले को। तो ये देखिए, तो ये फाइनली हमारा हमने निकाल लिया है सारे करेले को फ्राई करके। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार, और लाल मिर्च पाउडर ये अपना काम के हिसाब से डालें कम ज़्यादा, और ये चाट मसाला, और इन सबको मिलाएंगे। इसका क्रंचीनेस का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये फाइनली हमारा करेला का कुरकुरे मसाला बनके तैयार है। अब हम इसे सर्विंग के लिए निकालेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ये करेले का कुरकुरे बनके तैयार हुआ है। आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। इसे आप करेले की सूखी भाजी भी बोल सकते हैं। तो ये देखिए कितना क्रंची है, इसे हम तोड़ के दिखाते हैं आपको। ये है ना बिल्कुल बढ़िया। फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।